और इस बीच भिंड से बड़ी खबर, प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी हुई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन किया है। अनियमितताओं के चलते प्रिंसिपल को हटाने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त भिंड से, आपको एक बार फिर से बताते चले, प्रिंसिपल को हटाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन यहां पर छात्रों की तरफ से किया गया। तो ये तस्वीरें देखिए, छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और आंखों पर काली पट्टी बांध कर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है। मांग की जा रही है कि जो प्रिंसिपल है उनको हटाया जाए। वजह की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि अनियमितताएं हैं जिसके चलते प्रिंसिपल को हटाने की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है और इसी के चलते ये सभी छात्र एकजुट हुए और उसके बाद काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन की तरफ से किया गया, विरोध जताया गया और नारेबाजी भी की गई। तो बता दें इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन किया है। क्या है कि महाविद्यालय में हमारी छात्राओं के लिए कोई भी सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जहां पर भी हैं वो बंद है। पिछले दिनों में एक मामला सामने आता है कि कुछ छात्राओं के साथ गुंडे मवाली छेड़छाड़ करते हैं। वो छात्राएं जब प्रिंसिपल सर के कक्ष में उनसे शिकायत करने के लिए जाती हैं तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आप हील पहनिए और नोक वाली हील पहनिए और जो भी आपको छेड़ता है तो आप उनको दे मारिए। जब मैं भी इसी कॉलेज की छात्रा हूँ, जब हमारे प्रिंसिपल सर हमसे ऐसा कहते हैं और सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो हालांकि हमको भी कॉलेज आने में थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि कॉलेज में कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है तो हम असहज महसूस करते हैं, इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस महाविद्यालय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी चल रही है, जैसे कि अपना महाविद्यालय, ये जिले का अग्रणी महाविद्यालय, ये PM एक्सीलेंस हुआ, इसका 40 लाख रुपए का उन्नयन, उसके लिए भी हम लोगों को ध्यान में आता है तो यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर इस महाविद्यालय में हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए। प्राचार्य हटाओ, महाविद्यालय बचाओ। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्राचार्य महोदय से बात करने के लिए आते हैं, आंदोलन करने के लिए आते हैं, तब वह यहाँ महाविद्यालय से हाई कोर्ट में पेशी का बहाना बनाकर भाग रहे होते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे शांतिपूर्ण तरीके से लेटे थे, तभी एक पुलिस वाला आता है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उठाकर मारपीट कर अपनी वैन में डालता है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं की चोटें आई हैं। मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मेरे ये बाल हैं वो बुरी तरीके से खींचे गए और वैन में एकदम कचरे की तरह भरा गया मुझे, और जिला संयोजक जी हैं उनका गला इस तरीके से पकड़ा गया, मुझे लगता है उनकी अगर एक मिनट और उनको अगर ऐसे पकड़ा जाता तो उनकी मृत्यु हो सकती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना एक ज्ञापन दिया था, उसमें उनकी कुछ समस्याएं थी, बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो महाविद्यालय स्तर पर सुलझाई जा सकती थी, वो महाविद्यालय स्तर पर सुलझा दी गई हैं और कुछ है ना शासन स्तर पर ना लंबित हैं। जब शासन की तरफ से जवाब आएगा और उनकी तरफ से ओके हो जाएगी तो वो उनकी जो समस्या है उन्हें भी सुलझा दिया जाएगा। और जो इस समय बच्चे जो बैठे हुए हैं, विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, उनके आरोप बेबुनियाद हैं और इस संबंध में उन्हें हमने समुचित जवाब भी दे दिया है, क्योंकि उनका अधिकार बनता है इस प्रकार की बात करने का, तो इस बारे में और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दिलीप, ये जो छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या ये मामला शांत हुआ है या फिर आगे भी छात्रों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है? कि मैं आपको बता, जो 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 शासकीय जो विद्यालय MGS जो कॉलेज है PM3, इसमें गहरी अनियमितताओं के चलते जो विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिस तरह का जो प्रदर्शन जो हंगामा किया गया था उसको मामला अभी शांत नहीं हुआ है। हालांकि जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता जो छात्र हैं वो काली पट्टी बांध के आंखों में काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये जो जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन उनकी जो हड़ताल है उसका ये कहना है कि जो प्राचार्य है उनकी मनमानी के चलते इस तरह की जो मामले हैं जो लगातार भ्रष्टाचारी लगातार जो कॉलेज में बढ़ गई है, जो छात्र और पढ़ने वाले जो छात्रा हैं उनको सुरक्षा को लेकर जो मांग की गई थी, लेकिन वो इस पूरी बात को मानने के तैयार नहीं थे। इस कारण से पूरा
जो प्रदर्शन वो किया गया था। तो चलिए छात्रों की तरफ से मांगे हैं, हालांकि इसको लेकर बात नहीं बनी है। नजरें आप बना रखिएगा दिलीप, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर, नर्मदा नदी में युवक गिर गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस और लोगों ने युवक को बचा लिया है। युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर धार से आपको एक बार फिर से बताते चले, नर्मदा नदी में एक युवक गिरा है और जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये नर्मदा नदी की तस्वीरें आप देखिए, इसी नदी में ये युवक गिर गया था और जब आसपास के लोगों ने देखा तो जानकारी भी दी गई पुलिस को, जिसके बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और बताया जा रहा है कि पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं मिलकर इस युवक की जान को बचाया गया है। हालांकि युवक घायल हुआ है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, नर्मदा नदी के किनारे की तस्वीरें, ये वही युवक है जो नदी में गिर गया था और स्थानीय लोगों ने जब इसे देखा तो अपने स्तर पर बचाने की कोशिश की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर खान जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और युवक की स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? मैं आपको बता दूं कि ये मामला धार और खरगोन जिले की जो सीमा है, खलघाट है, और उस बीच में जो बना ब्रिज है, नर्मदा नदी के बीच जो ब्रिज बना है वहां का है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो विनोद मोरल है, ये धार जिले की उमरबन के क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी जब बाइक वहां पे खड़ी हुई दिखी और वहां पे आसपास कोई दिखा नहीं, गाड़ी में चाबी भी लगी हुई थी, तो संदेह के तौर पर जो है पुलिस वहां पे गश्त कर रही थी। पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक बाइक वहां पे लावा खड़ी है और कोई आसपास है नहीं, तो उन्होंने तलाश करने की कोशिश की। जैसे ही जानकारी वहां ये जुटाई कि ये बाइक किसकी है, कौन है और यहाँ पे लापता क्यों है, तो वहां पे नर्मदा नदी में जो मछुआरे होते हैं, जो मच्छी पकड़ने का काम करते हैं, और वहां पे आसपास के क्षेत्र के नाविक जो वहां पे थे उनसे पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि पुल से जो है एक युवक गिरा था, जिसके गिरने के बाद हमने देखते ही उसे बचाया, उसे रेस्क्यू किया और उसे किनारे पे लेके आए थे। जब उन्हें किनारे पे लेकर के आए थे तो तब उनकी बहुत हल्की हल्की सांस युवक की चल रही थी। शुरुआती जांच में क्या समझ में आ रहा है कि आत्महत्या करने की कोशिश युवक ने की या फिर गिर गया था युवक? देखिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है या वो गलती से गिरा है, क्योंकि अभी जो है उस युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसे बचा तो लिया गया लेकिन वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक नहीं है और घायल है, उसके बाद इलाज अभी